सीरियल बालिका वधु को घर घर में लोगों ने खूब पसंद किया है। इस शो में आनंद की प्यारी सासू माँ का किरदार निभाया था एक्ट्रेस स्मिता बंसल ने, जिन्होंने इस किरदार से लोगों का दिल जीत लिया था। लेकिन अब वो कहाँ हैं और क्या कर रही हैं? जाहिर तौर पर उनके फैंस ये बात जरूर जानना चाह रहे होंगे। आपको भी बताते हैं कि स्मिता बंसल अब क्या कर रही हैं और आखिर क्यों उनके ही घर के करीबी शख्स ने उन पर क्यों गंभीर आरोप लगाए थे, क्या वजह थी। फिर स्मिता बंसल को सबसे ज्यादा उनके टीवी सीरियल बालिका वधू में आनंदी की सास और जग्या की माँ के किरदार के लिए याद किया जाता है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1998 में चैलेंज से की थी। हालांकि इसके बाद स्मिता कई और सीरियल्स में भी नजर जिसमें कसौटी जिंदगी की, कोई अपना सा, संजीवनी, तुलसी, ये मेरी लाइफ है जैसे कई बड़े बड़े शो शामिल हैं। साल 2008 से लेकर 2014 तक चलने वाले बालिका वधू शो में उन्होंने आनंदी की सास और जग्या की माँ सुमित्रा सिंह का किरदार निभाया और लोगों का प्यार पाया। वैसे तो स्मिता बंसल अपनी सादगी के लिए काफी फेमस है, मगर साल 2015 में वो विवादों में आ गई थी जब 45 साल की स्मिता बंसल के ही घर वालों ने उन पर गंभीर आरोप लगाए। दरअसल स्मिता की भाभी मेघा गुप्ता ने उन पर यह आरोप लगाया था। स्मिता बंसल के खिलाफ उनकी भाभी ने FIR दर्ज करवाई थी। एक्ट्रेस पर आरोप लगा था कि उन्होंने भाई की वाइफ को दहेज प्रताड़ित किया है। वही स्मिता ने इन आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बताया था। बता दें कि दादी सा की फेवरेट बहू सुमित्रा उर्फ स्मिता आजकल ZTV के शो भाग्य लक्ष्मी में नजर आ रही हैं। साल 2021 में उनकी शो में एंट्री हुई थी। उनके किरदार का नाम नीलम ओबेरॉय है, जो कि ऋषि और सोनिया की माँ है। बता दें कि स्मिता बंसल की अपनी एक्टिंग अकेडमी स्मिता बंसल एक्टिंग स्टूडियो भी। स्मिता ने साल 2000 में अंकोल मोहला से शादी की थी और एक्ट्रेस की दो बेटियां भी हैं। आपको बता दें कि वो एक्टिंग में तो लगातार एक्टिव हैं ही, लेकिन वो सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं और अपनी बेटियों के साथ अक्सर प्यारी प्यारी रील्स शेयर करती रहती हैं।